दोस्तों सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये वीडियो है अफ्रीकन देश युगांडा की, जिसमें एक अफ्रीकन मुस्लिम इस्कोन के साधुओं के साथ हरे रामा हरे कृष्णा महामंत्र पर झूमता हुआ दिखाई देता है। और ये है साउथ अफ्रीका का एक एरोनॉटिकल इंजीनियर, जिसने भगवान श्री कृष्णा की भक्ति और सनातन धर्म के आध्यात्मिक जीवन के लिए इस्कोन यानी कि कृष्णा कॉन्शियसनेस ज्वाइन कर ली और पूरी तरह से वेजिटेरियन बन गया। My name is Atla Mulatsane and I attend Wits University. I'm a final year student in aeronautical engineering. I came to Krishna consciousness because I was attracted to astral body travel, like out of body experiences. But the depth of the philosophy really attracted me. The authentic people, the dancing, the food, it is so much fun. I didn't think that spiritual matters were so practical, so hands-on. So Ratha Yatra dates back 5,000 years. The time when Lord Krishna was present on the earth planet. It's a very old festival. It's a feelings festival. The mood behind observing this Rath Yatra festival is to bring God closer to your heart by chanting his names in the form of the Hare Krishna mantra. और दूसरी तरफ ये है घाना की एक बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन विक्टोरिया लक्ष्मी हामा, जिसने साल 2009 में ही घाना की हिंदू मोनेस्ट्री के माध्यम से हिंदू धर्म अडॉप्ट कर लिया था और तब से ये भी पूरी तरह से वेजिटेरियन बन गई है। और विक्टोरिया लक्ष्मी साल 2009 से घाना में मौजूद अफ्रीकन हिंदुओं की सनातन धर्म को सेपरेट करने में पूरी तरह से मदद कर रही है। I love Gary too. She slammed her critics, describing them as unemployed PhDs. Since my nomination, I have seen a lot of attacks from all quarters. और ये है साउथ अफ्रीका के वो लाखों हिंदू जो हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को बहुत ही उत्साह के साथ निकालते हैं और पूरे अफ्रीका में सनातन को सेपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि क्यों अफ्रीका में सनातन धर्म इतनी तेजी से फैल रहा है। आखिरकार नॉन वेजिटेरियन अफ्रीकन सनातन को अडॉप्ट करने के बाद पूरी तरह से वेजिटेरियन क्यों बनते जा रहे हैं। तो इन्हीं सब प्रश्नों के जवाब आपको मिलेंगे आज की इस वीडियो में, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों वैसे तो अफ्रीका के ज्यादातर देशों में सनातन पिछले दशकों से फल फूल रहा है, जैसे साउथ अफ्रीका, घाना, केन्या, तंजानिया, रियूनियन, जाम्बिया, युगांडा, नाइजीरिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जहाँ पर लाखों में हिंदूज पॉपुलेशन रहती है। पर अफ्रीकन देशों में सबसे ज्यादा तेजी से सनातन सेपरेट हो रहा है साउथ अफ्रीका और घाना में। घाना अफ्रीका का वो देश है जहाँ पर सनातन बहुत ही तेजी से फैल रहा है और प्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में 2.5% से ज्यादा हिंदूज मौजूद हैं पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट से, जिनकी आबादी हर साल बढ़ती ही जा रही है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं घाना और साउथ अफ्रीका की, जहाँ पर सभी अफ्रीकन कंट्रीज से ज्यादा तेजी से हिंदुइज्म फैल रहा है। दोस्तों घाना में जितने भी हिंदूज मौजूद हैं उनकी सनातन धर्म में आस्था बहुत ही गहरी है। इस बात का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हो कि घाना के 19% से ज्यादा हिंदुओं ने इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को छोड़कर सनातन धर्म अपनाया हुआ है, जिसके कारण ये सभी हिंदू पूरी
क्षेत्र ऐसे वेजिटेरियन बने हुए हैं। यहाँ पर रहने वाले हिंदू शैविज्म और वैष्णविज्म में अपनी आस्था रखते हैं। और अगर आपको शैविज्म और वैष्णविज्म के बारे में नहीं पता है तो शैविज्म में आस्था रखने वाले अफ्रीकन हिंदू भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते हैं और वैष्णविज्म में आस्था रखने वाले हिंदू भगवान विष्णु और इनके अवतार भगवान कृष्णा की भक्ति में लीन रहते हैं। तो यहाँ पर अब प्रश्न ये उठता है कि घाना में रहने वाले हिंदू शैविज्म और वैष्णविज्म में डिवाइडेड क्यों हैं? तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि जिन अफ्रीकन हिंदुओं ने घाना में मौजूद इस्कॉन यानी कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के माध्यम से सनातन धर्म अडॉप्ट किया हुआ है वो भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्णा की भक्ति करते हैं, और जिन अफ्रीकन हिंदुओं ने घाना की हिंदू मोनेस्ट्री के माध्यम से सनातन धर्म अपनाया हुआ है वो भगवान शिव की भक्ति करते हैं। और भगवान शिव और भगवान कृष्णा की भक्ति के साथ साथ ये अफ्रीकन हिंदू सनातन के सभी देवी देवताओं पर अपनी सच्ची आस्था रखते हैं। और शायद ही आप में से ज्यादातर को ये बात पता होगी कि घाना में सनातन धर्म के तेजी से फैलने के पीछे यहाँ की हिंदू मोनेस्ट्री का ही सबसे बड़ा योगदान माना जाता है, क्योंकि घाना के सबसे ज्यादा मुस्लिम्स और क्रिश्चियन ने इसी हिंदू मोनेस्ट्री के माध्यम से सनातन को अपनाया है, क्योंकि यहाँ पर सुबह और शाम भगवान शिव की पूजा के साथ साथ दूसरे देवी देवताओं की आरती भी की जाती है और साथ में ही मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। और दोस्तों यहाँ की सबसे कमाल की बात तो ये है कि यहाँ पर जो अफ्रीकन हिंदू कोई बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करते हैं तो उसका सेलिब्रेशन इस हिंदू मोनेस्ट्री में बड़े ही धूमधाम से हिंदू भजन और कीर्तन से किया जाता है। क्योंकि आज से लगभग एक साल पहले यहाँ की एक महिला घाना की फर्स्ट फीमेल न्यूरोसर्जन बनी थी, तो इस महिला की इस उपलब्धि को घाना की इस हिंदू मोनेस्ट्री में ही सेलिब्रेट किया गया था। और ये सेलिब्रेशन कैसा होता है आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हो। In the history of Ghana, in medicine, the moment you hear the name, the first female neurosurgeon, even if my name is not even there, those people around will remember that we honored her. And Omar Bokensu was the chairman of the location. Harry O. यानी कि सनातन के प्राचीन रीति रिवाजों से इस सेलिब्रेशन को बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। घाना की इस हिंदू मोनेस्ट्री को इस्टैब्लिश किया था सन 1975 में घाना और पूरे अफ्रीका के पहले हिंदू गुरु ने, जिनका नाम था स्वामी गणानंद सरस्वती। दोस्तों ये पहले अफ्रीकन हिंदू स्वामी थे पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के। इनके मन में ब्रह्मांड और भगवान को लेकर बड़े प्रश्न उठते रहते थे जिनका जवाब इनको कहीं पर भी नहीं मिला। पर जब इन्होंने सनातन के प्राचीन ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया तो तब इनको अपने प्रश्नों के जवाब मिलने लगे और अफ्रीका को छोड़कर भारत चले आए, जहाँ पर इन्होंने एक हिंदू साधु का जीवन धारण करके सनातन के धर्म ग्रंथों की डीपली स्टडी की और इस ज्ञान को सन 1975 में अफ्रीका में बांटना शुरू किया, जहाँ से घाना की हिंदू मोनेस्ट्री की शुरुआत हुई और बहुत सारे मुस्लिम्स और क्रिश्चियन ने सनातन को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों यहाँ से अब आप ये बहुत ही आसानी से समझ सकते हो कि अफ्रीकन मन की शांति और सनातन धर्म की आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए सनातन को अपने सच्चे दिल से अपना रहे हैं। इसलिए आज साउथ अफ्रीका के साथ साथ घाना, केन्या, तंजानिया, रीयूनियन, जाम्बिया, युगांडा, नाइजीरिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में लाखों अफ्रीकन हिंदू सनातन धर्म के रीति रिवाजों को फॉलो कर रहे हैं और वहाँ पर इनकी मदद करने के लिए इस्कॉन और दूसरी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।